पिछले 5 दिनों से सरकारी कार्यक्रमों से गायब तेजस्वी यादव आखिरकार शुक्रवार को मीडिया के सामने आए। तेजस्वी यादव के सरकारी कार्यक्रमों से दूरी बनाने के बाद सियासी गलियारों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। मीडिया में आज जब तेजस्वी यादव आए तो पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए संसद की सुरक्षा में हुई चूक का मामला उठाया और उसे बेहद गंभीर बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार इसे हल्के में ना ले। तेजस्वी यादव ने कहा कि संसद की सुरक्षा में चूक हुई है, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकती। वही सुरक्षा में कहां से चूक हुई इसको जानने की जरूरत है, आगे इस तरह की घटना नहीं हो इसके लिए सजग रहना होगा। भारत सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है और केंद्र गृह मंत्री अमित शाह से अन्य सांसदों की अपेक्षा है कि वे इस पर सदन में आकर अपनी बात रखें। उन्हें बताना चाहिए कि कहां और किसके लापरवाही से इतनी बड़ी घटना हो गई। सुरक्षा में चूक हुई है जो एक गंभीर मसला है और इसे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। इसको देश का सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है और देश भर के जनप्रतिनिधि वहाँ रहते हैं। सबसे अधिक सुरक्षा जिस जगह पर रहती है, ये सब कुछ रहने के बावजूद अगर सुरक्षा में चूक हुई है तो कहीं ना कहीं ये मामला बहुत गंभीर है। लोगों को राजनीति को अलग रखकर इस गंभीर विषय पर ध्यान देने की जरूरत है। बताया कि बिहार में आयोजित 2 दिवसीय इन्वेस्टर्स मीट में शामिल नहीं होने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सेहत को लेकर कुछ समस्या थी जिस कारण वो घर में ही थे। और 2 दिवसीय इन्वेस्टर्स मीट को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जो इन्वेस्टर्स मीट हुआ है वह ऐतिहासिक काम है और लगभग 50,000 करोड़ के निवेश का MOU बिहार सरकार के साथ हुआ है। अब तक इतने बड़े पैमाने पर निवेश नहीं हुआ था। तेजस्वी ने इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत विभाग के तमाम अधिकारियों को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास था कि बिहार में अधिक से अधिक निवेश लाया जाए। आने वाले दिनों में सरकार IT और टूरिज्म पॉलिसी लाने का काम करेगी ताकि अधिक से अधिक निवेशक बिहार आए। तेजस्वी यादव ने कहा कि उद्योगों के जरिए सरकार की कोशिश होगी कि बिहार के लोगों को बिहार में ही काम मिल सके। उद्योग विभाग लगातार निवेशकों को बिहार लाने के लिए काम कर रहा है। आगे भी कोशिश होगी कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वे बिहार में निवेश करें और यहां अपने उद्योग को स्थापित करें। बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिलेगा तो उससे रेवेन्यू भी सर्कुलेट होगा जिसका फायदा सभी को मिलेगा। मालूम हो कि तेजस्वी यादव शादी की सालगिरह पर पिछले हफ्ते सब परिवार तिरुपति बालाजी भी गए थे और तिरुपति बालाजी से मुंडन कराकर लौटने के बाद उन्हें ठंड लग गई है, इसलिए डॉक्टरों की सलाह पर वे घर पर आराम कर रहे हैं। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।